इसके लिए जेंट्स बरमूडा का वीडियो लाए हैं। इसके लिए हमने 29 इंच लंबा एक पीस लिया है, ये बचे हुए कपड़े से भी आप बना सकते हैं। इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है और जो हमारी किनारी होती है उसे डबल फोल्ड करने के बाद हमने अपनी तरफ को कर रखा है इस तरह से। इस तरह से सबसे पहले जो किनारी है इस पे जो लिखा हुआ हिस्सा होता है उस जगह पे हम उसे अलग निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ लाइन खींचते रहें। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारे हिप की सर्कमफेरेंस हो उसका 4th part + 3 inch हम इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। हिप की सर्कमफेरेंस को 4 से भाग करके उसमें 3 inch एक्स्ट्रा जोड़ के फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक मार्क कर लिया। पहले आगे का पल्ला दोनों बनेंगे और फिर पीछे के। इसके बाद इस तरफ हिप की जो भी सर्कमफेरेंस है उससे 2.5 inch ज़्यादा पे हम हिप की सर्कमफेरेंस ÷4 + 2.5 inch 2.5 inch इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया। अब हम इधर हमने 3 inch एक्स्ट्रा लिया था तो ये देखिए एक मार्क लगा ले रहे हैं। अंदर की तरफ हम 2 inch गहरा एक मार्क लगाएंगे। ये हमारा क्रॉच के लिए हम मार्क लगा रहे हैं। फिर इस लाइन को ऊपर तक यूँ सीधा मिला लेंगे। हमने 3 inch एक्स्ट्रा लिया है तो 1 inch हमारी लूजिंग में चला जाएगा और 2 inch हमने इस तरह से किया गोलाई दे ली है। यहाँ अब इसका हम निशान लगा लेंगे और इस निशान सीध के 1/2 inch ऊपर और 1/2 inch नीचे भी एक मार्क कर लेंगे। फिर हम यहाँ जो भी लंबाई हमें चाहिए एग्जैक्ट उसी पे मार्क करेंगे क्योंकि ऊपर हम बेल्ट लगाने वाले हैं तो इसलिए जो सिलाई में कमी होगी वो हमें बेल्ट लगा के पूरी हो जाएगी। अभी इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ का भी मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड पॉइंट में जो भी हमें पैचा चाहिए है उसका जस्ट 1/2 हम दोनों तरफ मार्क कर देंगे। जैसे हमें 10 चाहिए था तो 5 inch पे मार्क किया और इस तरह से हमने ये गोलाई दे ली। ये आगे के पल्ले की हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम इसी के हिसाब से पीछे का पल्ला भी बनाएंगे। तो हम इसे अच्छे से मार्क कर ले रहे हैं और इसे कट करके फिर हम इस तरह से आगे की हमें दोनों पल्ले मिल गए। इसे हम काट के मेन फैब्रिक से अलग कर लेते हैं जैसे जैसे मार्किंग की है उस तरह से। इसके बाद इसी के हिसाब से हम पीछे के बनाएंगे। पीछे के पल्ले बनाने के लिए देखिए हमने इस तरह से कट किया था। अब ये डबल फोल्डेड है हमारा कपड़ा, इसी पे ही हम ये देखिए घुमा के इस तरह से रख देंगे। ये एकदम मिला के ऊपर से हमें 2 inch एक्स्ट्रा पे रखना पड़ेगा क्योंकि पीछे के पल्ले को हम 2 inch ज़्यादा बड़ा बनाते हैं जिससे कि जब हम बैठे तो नीचे ना हो जाए पीछे का हिस्सा। आपने देखा होगा अक्सर बैठते टाइम पीछा हो जाता है। और 2 inch हम इधर से भी एक्स्ट्रा रखेंगे यानी इस तरफ भी 2 inch ज़्यादा और 2 inch ऊपर से भी ज़्यादा। इसको एग्जैक्टली हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। ये सीधी लाइन हम कर देंगे और यहाँ पर 2 inch की ये निशान लगाइए और हम इसको पीछे का क्रॉच इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया दोनों। इस तरफ नीचे की तरफ हम सिर्फ 1.5 inch पे मार्क करेंगे और लंबाई एकदम एग्जैक्टली बराबर रखेंगे। इधर से जो छाट दिया था उसे उसी तरह से मार्क कर लिया है, कोई अंतर नहीं किया है। और ऊपर 1.5 inch एक्स्ट्रा 2 inch एक्स्ट्रा इस तरह से तिरछी लाइन खींचनी है। तो हम इधर गोलाई दे ले रहे हैं। इस तरह से पीछे का पल्ला भी हमारा रेडी हो गया है जिसे हम काट के अलग कर लेंगे। पीछे का पल्ला हम बड़ा रखते हैं। तो ये देखिए हमने आगे और पीछे का पल्ला कट कर लिया। इसमें हम चेन लगाएंगे और ये जो बची हुई पट्टी है इसमें हम पीछे की पट्टी निकाल लेंगे और आगे की पट्टी के लिए हमें थोड़ा सा अलग से कपड़ा चाहिए। और ये हिस्सा जो गोल आया है इसमें हम जेब की डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए हम ये हिस्सा यूँ कट करके निकाल लिया। अब हम इसे थोड़ा सा गोलाई देते हुए एक तरफ से सीधा रखते हुए यहाँ जेब में हम लगाने वाले हैं। तो एक तरफ सीधा रखना है हमें और दूसरी तरफ हमें कर्व वाला चाहिए। तो ऐसे हम ये कर्व दे लेंगे। ये हो गया। ये हमें जेब की जगह पर जोड़ना है जिससे ये सही लगे। और ये जो बचा हुआ पट्टी है इस तरह से देखिए पट्टी इसमें साइड से बची होगी जो हमने अपने क्रॉच के साइड से निकाली। तो 2 पट्टियाँ ऐसी हमें निकली होगी। इसको इस तरह डबल फोल्ड करके चेन लगाते में हम यूज़ करेंगे। ये हमारी ये देखिए 4 inch है क्योंकि हमने 2 inch का क्रॉच रखते हैं तो ये 4 inch है। लंबाई हम बाद में बड़ा घटा अपने हिसाब से लेंगे। ऐसी 2 पट्टियाँ चाहिए हैं। ये दूसरी आगे और पीछे दोनों के क्रॉच की पट्टियाँ हैं तो उसको हम इस तरह से फिट कर लेंगे। दोनों ही 4-4 inch की होंगी। ये दोनों हो गई, ये 2 हो गई।
बाद जेब की बारी आती है, तो चार पीस हमने ऐसे कट किए हैं। ये 7.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई हमारी 11 इंच है, और नीचे से हमने एक साइड से गोलाई दे ली है। ये हमारी जेब यूज़ करेंगे हम इसे। तो पहले दो पल्लों को इस तरह से देखिए, गोलाई अंदर की तरफ रखते हुए और सीधा हिस्सा हमने ऊपर रखा है, इसे इस तरह से रखेंगे और उस पर ये पीस यू रख के चारों ओर से इस पर सिल देंगे। पीछे के पल्ला ये होगा जेब का, उसको इस तरह से सिल लेंगे चारों ओर से अच्छे से। और जो बचे हुए दो पीस है उसमें हम बताते हैं क्या करेंगे। ये जो बचे हुए दो पीस है उसे हम आगे के पल्ले पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ इस तरफ से हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे और हल्की सी हम इसे दे देंगे गोलाई, क्योंकि आगे का पल्ला हम थोड़ा सा गोलाई खुला हुआ बना रहे हैं। तो एक पे हमने मार्क कर लिया, अब दूसरी जेब इसके ऊपर एज इट इज़ रख के टैप टैप कर लेंगे जिससे दूसरे पे मार्क आ जाए और उसे हम अच्छे से दोबारा चौक चढ़ा लेंगे। तो ये दोनों हिस्से हो, देखिए हमने चारों ओर से सिल लिया एक जेब पे ये हिस्सा। अब जो दूसरी जेब का मतलब दो हिस्सों पे तो हमने ये पीस जोड़ लिए हैं, बचे हुए दो हिस्सों को हम यहाँ फ्रंट हिस्से के सीध पे रखेंगे और जैसी गोलाई दी है उसी पर ही सिलते हुए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये एक जेब की सीधी तरफ रख के यूँ सिल लिया, अब दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे हम और यहाँ से कट कर। तो ये सिलने के बाद हम इसे एकदम करीब से, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे और यूँ कट कर देंगे। हल्की हल्की सी चाहे तो नॉच भी लगा सकते हैं। ये जेब यूँ पलट के यूँ सीधी की जाएगी, बट पहले अभी हमें पलट के सीधी करने से पहले हम इसमें दूसरा पल्ला भी जोड़ लेते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं वो देखिए, ये ऐसे है, दूसरा पल्ला हम लेंगे उसे यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए दूसरा पल्ला, इसे इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए, इसे इसके उल्टे ऐसे रखना। तो ये जेब को यूँ पलटा और उल्टा, इसके जेब को पलट के इसके पीछे उल्टा ही रखा दूसरा पीस भी, और यहाँ पूरा गोलाई वाले हिस्से में हमने सिल लिया। तो इस तरह से जेब के दोनों पल्ले आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों ही तरफ दाएं और बाएं साइड हमें ऐसे ही जेब को कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हो गया, अभी पलट के दिखाते हैं कैसे दिखेगा आपको। बहुत आसानी से ये ऐसे पलट देना है और यहाँ पे हमें लगानी है दाब सिलाई। तो दाब सिलाई दे लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं फाइनल लुक आपको जेब का। ऐसे हमने दाब सिलाई दोनों जेबों पे देनी है, दाएं बाएं साइड के दोनों, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे। सफ़ेद हिस्सा जो हमें दिखना नहीं चाहिए जेब का, इस तरह से हमें ये मार्क करनी है। ये हो गई, अब देखिए कैसा है फाइनल लुक। ये ऐसे हुआ, ये जेब को हम इस तरह से रखेंगे यूँ। अभी हम पिन लगा दे रहे हैं, ये देखिए जेब इस तरह से बहुत ही फाइन दिखती है। ये जेब पे पिन लगाने के बाद ऐसे दिखेगी ये। अब जेब के बाद चेन बनाएंगे, तो चेन के लिए जो एक पट्टी थी उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सीधी चेन रखेंगे। देखिए पट्टी हमने डबल फोल्ड की है और उसके ऊपर सीधी चेन, ये देखिए रनर ऊपर है और हम इसे साइड से ऐसे सिल लेंगे। रनर खोल के नीचे कर रहे हैं जिससे सिलने में आसानी हो हमें। तो इस तरह से पूरा नीचे तक सिलते हुए जाना है थोड़ा सा। इसके बाद हमारा जो लेफ्ट साइड का पीस है पेंट का, ये देखिए आपको दिख रहा होगा जेब हमारी लेफ्ट साइड है इसमें, उसके ऊपर इसे उल्टा रखेंगे जो पट्टी अभी हमने बनाई, और इसको यूँ सिल लेंगे। इस तरह से चेन हमारी नीचे की तरफ सीधी है और ये कपड़ा भी नीचे ही को है, इसे उल्टा रख के हम सिल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा छोड़ते हुए हम सिलेंगे, ये देखिए यहाँ इतने तक ही सिलेंगे, पूरा नीचे तक नहीं सिलेंगे। ये सिला, यहाँ लॉक कर दिया इस तरह से, ये देखिए चेन इस तरह से आ गई इसके इस कपड़े पे, और जहाँ हमने लॉक किया है उसके जस्ट नीचे हम हल्की सी एक नॉच इस तरह से लगा लेंगे। ये याद रखिएगा, ये हिस्सा हमारा जेब जिस में लेफ़्ट तरफ हो उस तरफ ही लगता है। अब हम यहाँ दाब सिलाई साइड में दे लेंगे, जहाँ तक नॉच दी है सिर्फ दाब सिलाई हम वहीं तक देंगे, प्रेशर स्टिच। ये देखिए इस तरह से लॉक कर दिया हल्का सा। तो हमारा लेफ़्ट साइड तो तैयार हो गया, अब राइट साइड तैयार करना है। ये देखिए, तो राइट साइड के लिए ये राइट साइड है, इस पर जो पट्टी दूसरी वाली है वो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखनी है और सिर्फ एक सीधी सिलाई दे देनी है हमें। यानी अपनी राइट साइड को सिर्फ पट्टी ऐसी जोड़नी है, यहाँ तक देखिए जो हमने नॉच लगाई है लेफ़्ट साइड में, वहाँ हम उसी जगह तक हम ये पट्टी जोड़ेंगे। हमने मार्क कर लिया है जिसे दोनों साइड में बराबर दूरी तक ही सिलाई हो। तो इस तरह से इस जगह पर यूँ सिलेंगे, मार्क तक ही सिलेंगे और वहाँ पे हल्का लॉक कर लेंगे।
तो दायां बायां दोनों साइड रेडी हो गया। अब इसे आपस में जोड़ना है। ये देखिए मार्क तक ही सिर्फ सिला है हमने। यहाँ हम इंटरलॉक कर ले रहे हैं जिससे यहाँ से धागे ना निकले हमारे। ये हो गया, अब हम कट कर देंगे ये। अब इस पट्टी को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और लगा देंगे एक दाब सिलाई। एकदम पूरा अंदर तरफ मोड़ कर दिया है हमने और इस पे हम दाब सिलाई नीचे तक जहाँ मार्क है वहाँ तक जाएंगे, इस मार्क तक। इसके बाद हमें क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड है उसके ऊपर हम राइट साइड को ऐसे रखेंगे कि चेन पूरी की पूरी छुप जाए हमारे राइट साइड वाले हिस्से से। तो ये देखिए, और ये जो फ्लैप हमने लेफ़्ट साइड में लगाया था इसे हम हटा देंगे चेन के नीचे से, क्योंकि जिससे ये सिलाई में जुड़ ना जाए। फिर पिन की मदद से हम अटैच कर देंगे जिससे कि ये खिसके ना। आप चाहे तो एक बार पहले कच्चा भी कर सकते हो कि नीचे का जो फ्लैप हमने लगाया है लेफ़्ट साइड में वो ना जुड़ जाए इससे। अब इसको इस तरह देखिए पिन लगा दिया यहाँ से भी, और जहाँ हमने पूरी जहाँ मार्क लगाई हुई है इस मार्क से मिलाते हुए यहाँ भी हम ऊपर थोड़ा सा पिन लगा देंगे, क्योंकि हमें सिलाई यहीं तक ही करनी है जहाँ मार्क है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे भी पिन लगा ली है अपनी ये, और नीचे के हिस्से को हम बाद में सिलाई करेंगे। तो ये हो गया, ये फ्लैप हमें हटा लेना है, इसके ऊपर सिलाई नहीं आएगी नहीं तो चेन हमारी जुड़ जाएगी दोनों के हिस्सों में। ये देखिए ये हटा लिया है हमने, ये पट्टी जो नीचे लगाई थी। इसके बाद इसे पूरा गुलाई थोड़ा सा देखिएगा कैसे सिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ये चेन के ऊपर चेन को पूरा छुपाते हुए सिल रहे हैं हम, चेन खोले रहे हैं जिससे आसानी रहेगी हमें। ऐसे सिलते हुए गए, यहाँ हमने नीचे भी पिन लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये देखिए पिन हटा के यहाँ सिर्फ मार्क तक ही सिलना है, मार्क पे जाके एक बार लॉक कर देंगे घुमा के एक बार। ये देखिए चेन इसमें फिक्स हो गई है, यहाँ लॉक कर दिया। ये चेन तुम्हारी बहुत अच्छे से ये फिक्स हो गई है। अब ये नीचे से लेकिन ये खुला हुआ है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, हमने नॉच लगा रखी थी लेफ़्ट साइड के कपड़े को, उसे ऊपर की तरफ कपड़ा फोड़ना है। ये देखिए ये ऊपर की तरफ कपड़ा फोल्ड किया और राइट साइड का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया, और हम यहाँ पर इसको दे देंगे दाब सिलाई। तो देखिए थोड़ा ऊपर से हम दाब सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी कपड़ा हमारा जो नीचे फ्लैप हमारे लेफ़्ट साइड है उसे हटा के ही सिलना है, वो कतई नहीं दबना चाहिए। इस हिस्से को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इस हिस्से को अंदर की तरफ, और ऐसे करके एक दूसरे पे बैठाल के पूरा ये क्रॉच एरिया सिल लेना है। ये देखिए बहुत आसानी से इस तरह से चेन लगती है। ये देखिए नीचे तक हम यूँ सिलते हुए जाएंगे, यहाँ डबल सिलाई भी दे देंगे। ये देखिए इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया और इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, इसे इस तरह से नीचे तक सिलते हुए जाएंगे। जो लेफ़्ट साइड में चेन में हमने सबसे पहले एक पट्टी जोड़ी थी वो कतई सिलना नहीं चाहिए इनके साथ में। तो ये हमारा एक बार घुमा के एक बार और सिलाई दे लेंगे जिससे ये पक्का हो जाएगा हमारा पूरा। ये और यहाँ पे हल्का सा लॉक कर लेंगे। ये आगे का पल्ला रेडी हो गया। पीछे का पल्ले के लिए भी हम सबसे पहले क्रॉच सिलेंगे। ये देखिए चेन बहुत ही बढ़िया सी आई है। ये देखिए आगे की तरफ हमने चेन लगा ली, जेब बना ली, ये रेडी हो गया। पीछे के पल्ले को हम क्रॉच एरिया सिलेंगे। तो क्रॉच एरिया सिलने में डायरेक्ट ऐसे भी सिल सकते हो, उसके बाद इंटरलॉक कर ले, बट यहाँ हम डायरेक्ट सिलने के साथ साथ बाद में उसे फोल्ड करके भी एक दाब सिलाई देंगे जिससे कि फिनिश एकदम बाजार जैसी ही आएगी। तो हम ये क्रॉच को पहले एक बार सिल लेते हैं। ये उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इसे फोल्ड करके एक बार सिलेंगे। एक बार तो हो गया, इसके बाद देखिए इस तरह से फोल्ड करके भी हम सिल लेंगे। फोल्ड करने के सिलने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें इंटरलॉक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी और फिनिशिंग एकदम बढ़िया सी दिखेगी। ये देखिए हम इसे इस तरह से फोल्ड करके कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं ये क्रॉच एरिया तक पूरा ऐसे बढ़िया। इसके बाद हम इसे खोलेंगे, मीन्स
दोनों पैचों को फैला लेंगे और यहाँ इसको इस तरह से दबा के, जिससे कि ये रॉ जो कपड़ा है वो रॉ एज पूरी इसमें दब जाए। तो इस तरह से हमें सिलना है ये, ऐसे कि फिनिशिंग बहुत सही आती है। ये पूरे में ऐसे करना है, आगे पीछे का कैसे होगा अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आगे से भी फाइन होगा, पीछे से भी, इस तरह से ये बढ़िया बन गया, आगे पीछे रेडी है। इसके बाद हम पीछे के पल्ले पे ये देखिए सीधी तरफ पे पट्टी जोड़ेंगे, क्योंकि हम पीछे की तरफ लास्टिक लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमने पीछे की तरफ ये पूरी एक सीधी पट्टी जोड़ते जा रहे हैं हम। ये जुड़ गई, बची हुई पट्टी को हम कट कर देंगे बाद में, और हम यहाँ लास्टिक भी जोड़ने वाले हैं। तो जो भी कमर की माप हो उससे आधी कर दीजिए, और उसके बाद उसको उससे 6 इंच छोटी लास्टिक लीजिए, यानी कमर की माप का आधा माइनस 6 इंच की लास्टिक ली है, और इसको इस तरह से एक साइड पे लॉक करके जोड़ देना है। और दूसरी तरफ भी ये देखिए ऐसे पलटेंगे, अभी दूसरी तरफ भी ये लास्टिक यूँ जोड़ देनी है। ये पट्टी थोड़ी बड़ी है इसलिए हम जहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए वहीं तक जोड़ रहे हैं। ऐसे ये दोनों तरफ लास्टिक जुड़ गई हमारी, लास्टिक जुड़ गई है। इसके बाद जो नीचे की सिलाई है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके और ऊपर भी डबल फोल्ड करके कपड़े को यूँ सिल लेंगे, जिससे ये नीचे की सिलाई दब जाएगी। ये याद रहे कि ये जो सिलाई है इसमें हम लास्टिक के ऊपर सिल नहीं रहे हैं, सिर्फ कपड़े पर सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे सिल के आएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर एक दो और सिलाई कर लेंगे, जिससे कि बाजार जैसा ही लुक आए। तो इसे इस तरह से एडजस्ट कर लिया यहाँ पे हमने, उसके बाद देखिए कैसे सिलना है। ये थोड़ा सा सिला, उसके बाद दूसरे हाथ से यूँ खींच के यूँ सिलना है, कपड़े को अच्छे से खींचना है, जिससे लास्टिक और कपड़े के साथ कपड़े में चुन्नटे आ पाए। तो इस तरह से दोनों हाथों से यूज़ करते हुए खींचते हुए सिलना है, एक दो सिलाई इस तरह से दे देंगे लास्टिक पे हम। तो ये देखिए ऐसे खींचना है और यूँ सिलना है, एक दो सिलाई ऐसे दे लेंगे तो पीछे का पल्ला भी इस तरह से रेडी होगा हमारा। पीछे के पल्ले के बाद जो आगे का हमारा पल्ला था उसमें भी हम पट्टी जोड़ेंगे, लेकिन ये आगे की पल्ले की पट्टी दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी हम बड़ी रखेंगे। ये देखिए चेन हमने खोल दी, उसके बाद पट्टी को इधर से थोड़ा छोड़ते हुए यूँ, यानी पट्टी हमारी बड़ी है पैंट के पीस से यूँ जोड़ देंगे। हमने यहाँ पे इस पट्टी में पीछे यानी अंदर फोल्डिंग के लिए सफ़ेद रंग का मोटा कपड़ा लगाया है, जिससे कि ये बेल्ट हमारी मोड़ ना जाए जब हम पैंट पहने या बरमूडा पहना जाए। तो इस तरह जेब भी हमारी फिक्स हो जाएगी, और यहाँ पे पूरा ये सिल गया। ये इस तरह से थोड़ा बड़ा रखा है हमने पट्टी को अपने मेन उससे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ। ये देखिए जेब हमारी रेडी हो गई है। अब कैसे इसे रेडी करना है, देखिए पीछे का पल्ला आगे के पल्ले पे यूँ रखेंगे और सीधे पे उल्टा पल्ला रखा है, यहाँ नीचे की सिलाई देखते हुए ये पट्टी को ऊपर फोल्ड करके और इस तरह से यहाँ डबल फोल्ड करना है सफ़ेद हिस्सा। ध्यान दीजिएगा हमने आगे के पल्ले का सीधा आगे का जो पल्ला है उसे सीधा रखा है और उसके ऊपर पीछे का पल्ला उल्टा रखा है, और ये बेस की ये लास्टिक के बाद वाली सिलाई को मिलाते हुए हमने यहाँ पिन कर दिया है। ये देखिए ये सिलाई हमें आपस में मिलाना है, इसके बाद इसे पिन कर दिया है, फिर आगे की पट्टी को इस तरह से फोल्ड किया और फिर एक बार और फोल्ड कर दिया। इस तरह से हम साइड फिटिंग यानी साइड की सिलाई दे लेंगे, दोनों साइड में हमें ऐसे ही करना है। अभी आप देखिएगा इससे फिनिशिंग कितनी बढ़िया आने वाली है। ऊपर से सिलाई शुरू करके नीचे तक हम इसे इसी तरह से देते हुए जाएंगे सिलाई। यहाँ पे हम इंटरलॉक करेंगे बाद में, दाब सिलाई भी आप कर सकते हैं, ये आपकी जैसी इच्छा हो उस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमने नीचे तक साइड की फिटिंग दे लेनी है, दोनों साइड में ऐसे ही करना है हमें।
ये पैंट का पीस है इसलिए इंटरलॉक ज़रूरी है यहाँ। अब दूसरा पीस भी ऐसे ही, तो ये दोनों पीस देखिए इस तरह सिलाई के बाद जब हम पलटेंगे तो ये देखिए ये लुक आएगा, आगे और पीछे का पल्ले का देखिए कितना खूबसूरत लुक आया है। इसे अब आगे से इसे इस तरह थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम पट्टी को यूँ सिल लेंगे, फिर लगा दे रहे हैं जिससे फिर सिलने में दिक्कत ना हो। ये देखिए यहाँ पे रख के हम सिलाई करेंगे, इसीलिए हमने पट्टी को थोड़ा बड़ा रखा था कपड़े से। ये सिला, सुई को अंदर रखा हमने, इसे घुमाया और ये पट्टी को नीचे जो सिलाई थी उसको दबाते हुए दोनों साइड की पट्टियाँ ऐसे ही हमें बनानी है। ये हो गया, आगे और पीछे का जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे भी हम थोड़ी सी एक बार खड़ी सिलाई दे लेंगे यूँ। तो ये हमारा साइड का हिस्सा देखिए, ये इस तरह से पट्टी बन के आ गई है, बहुत ही खूबसूरत। अब हम इसमें बटन लगा लेंगे, दोनों तरफ की पट्टी ऐसे ही बनानी है हमें, यहाँ बटन लग जाएगा। तो अब यहाँ हमने साइड की जो सिलाई की थी उस पर दाब हम सिलाई दे लेंगे जेब के अपोजिट साइड में। साइड की दाब सिलाई देने के बाद में हम नीचे का पल्ला जो है उसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। लगभग हमने यहाँ 1 इंच की डबल फोल्डिंग करी है, दोनों पैचों में हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। साइड में दाब सिलाई इसलिए दी है जिससे फिनिशिंग एकदम बाजार जैसी ही लगे। तो ये हमने इस तरह से 1 इंच की डबल फोल्डिंग करनी है, दोनों पैचों में हमें ऐसे ही करना है। साइड की फोल्डिंग नीचे की फोल्डिंग करने के बाद ये इसको इस तरह से सिलना है हमें, बीच वाली सिलाई एक पैचे से लेते हुए, क्रॉच से लेते हुए फिर दूसरे पैचे तक। इसमें इंटरलॉक भी हम कर लेंगे बाद में। ये लास्ट सिलाई हो रही है बीचों बीच की, एक पैचे से शुरू हुई, क्रॉच से होती हुई दूसरे पैचे पे एंड करेंगे। यहाँ पे भी हम इंटरलॉक कर लेंगे। इसके बाद फाइनल लुक है बरमूडा का फाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, इसमें जेब भी है, बटन भी है, चेन भी है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आई होप आपको ये प्रोसेस आसान लगा हो और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू।